नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूडिंग की शुरुआत करते हैं। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 30 नवंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि भी वितरित करेंगे। सीएम 377 आपदा पीड़ित परिवारों को 3 लाख की पहली किस्त देंगे और साथ ही आश्रय योजना के तहत 193 छात्रों को प्रमाण पत्र देंगे और 641 बच्चों को लैपटॉप देंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल हमारे बीच यहाँ सोलन में आ रहे हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश किस प्रकार से आपदा से जुलाई मंथ में किस प्रकार की बारिश हुई, किस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई और किस प्रकार से आपदा का उन्होंने और उनके साथियों ने किस प्रकार से डटकर सामना किया और अपने प्रदेशवासियों के साथ खड़े रहे। कल उसी सिलसिले में जो है यहाँ पे जो आपदा पीड़ित परिवार है उनको प्रथम जो राशि प्रथम जो इंस्टॉलमेंट है उसको ठोटो ग्राउंड में वो देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। शिमला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरगटा ने आपको बता दें कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी अपने विभाग को छोड़कर प्रदेश सरकार के हर विषय पर अपनी राय देने में माहिर हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीते सेब सीजन में भी बागवानी मंत्री ने पॉलिसी डिसीजन लिया था और बागवान पेटी में 24 किलो से ऊपर सेब नहीं बेच पाएगा और इस निर्णय को सरकार हिमाचल से बाहर तो छोड़ो हिमाचल प्रदेश की फल मंडियों में भी लागू नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल भारी बारिश के कारण आई आपदा में बागवानों की फसल तबाह हो गई और कई लोगों के तो बगीचे भी उजड़ गए और क्या उन लोगों को मुआवजा दिया, अगर दिया तो कितना दिया और बागवानी मंत्री को बताना चाहिए क्योंकि राजस्व विभाग भी उनके पास है। बागवानी मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि बड़े फैनफेयर के साथ आपने जो भी सीजन गया सेब का उसमें आपने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और आपने बोला कि आप 24 किलो के हिसाब से जो बागवान है वो मंडियों में सेब बेचेंगे, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश और बाकी जो हिंदुस्तान की जो बाकी मंडियां हैं उसमें 24 किलो के हिसाब से सेब खरीदा गया? क्या आपने पूरी तरह से बागवानी क्षेत्र को कंफ्यूजन के एक स्टेट में नहीं रखा जब ये 24 किलो की हम बात करें? हम सबको पता है कि इस बार बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और बागवानी क्षेत्र में भी आई। आपने सेब जो है MIS के तहत हिमफेड और FPMC के माध्यम से आपने हम बागवानों से खरीदे, तो क्या आपने MIS की पेमेंट आपने बागवानों को कर दी है? मैं ये सवाल भी बागवानी मंत्री जी से जरूर पूछना चाहूंगा। इसके अलावा हर दिन प्रतिदिन बागवानी क्षेत्र में हमारे बगीचों में इनपुट लगता है, चाहे वो एंटी हेल नेट्स हो चाहे बाकी इक्विपमेंट्स हो, तो क्या सब्सिडी का भुगतान बागवानी मंत्री जी आप कर रहे हैं? इसका सवाल का भी आप उत्तर जरूर दें। हिमाचल प्रदेश में यशवंत झाजरा को हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिमुडा के उपाध्यक्ष के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया और इससे पहले पूर्व के वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान भी यशवंत झाजरा हिमुडा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और औपचारिक रूप से दफ्तर संभालने से पहले दूसरी बार हिमुडा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए यशवंत झाजरा ने भी कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया और साथ ही यशवंत ने कहा कि उन पर विश्वास जताने के लिए वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला का आभार व्यक्त करते हैं और इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हिमुंडा के उत्थान के लिए बाहर लगातार काम करते रहेंगे और साथ उन्होंने जटिया देवी में नए शहर बसाने और शिमला का डीकंजेशन जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करने की बात कही है। इस नियुक्ति के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। देखो, कांग्रेस पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी वो भी हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोगों के बारे में जो है बात करती रहती हैं और हमेशा उन्होंने जो है अपने पार्टी के लोगों का हितों के बारे में जो है वो मुख्यमंत्री को बताया है और मुख्यमंत्री जो है वो भी समय समय के ऊपर जो है फैसले ले रहे हैं।
सोलन जिला के सुबाथू में सरकार की तरफ से डिग्री कॉलेज को बंद करने के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने छात्रों के साथ में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और सरकार से कॉलेज की मान्यता बहाल करने की मांग भी की। और आपको बता दें कि सुबाथू के व्यापारियों ने दोपहर तक विरोध स्वरूप बाजार को बंद रखा और छात्रों के साथ में खिलवाड़ न करने का आग्रह कर सरकार से भी किया। और हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यहां पर आसपास के क्षेत्रों में 150 के करीब छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं जिन्हें अब दूर के कॉलेज जाना होगा और उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की रद्द अधिसूचना को बहाल कर छात्रों को लाभ प्रदान करें। आज हमारा स्थान शहर के रूप में बच्चों के आह्वान पर इनके समर्थन में उतरे हैं जो ये सरकार द्वारा 47 वर्षों से ये कॉलेज चल रहा था इसकी जो सरकारी अधिकरण हुआ था उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। इस मान्यता को रद्द करने से जहां छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है वहां स्पाटू के व्यापारी और हर निवासी और आसपास के पंचायतों के निवासियों को भी गहरा आघात पहुंचा। इसके जो सरकारीकरण की मान्यता आपने रद्द करी है इसको पुनः वापिस लें और यहां पर अधिक से अधिक टीचर भेज के बच्चों को आश्वस्त करें कि आप प्रदेश के लिए भी बहुत ज्यादा सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे कॉलेज जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉलेज को बंद कर दिया गया है तो इसके लिए सारा जो सुबाथू का व्यापार मंडल है इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। यहाँ के उप प्रधान प्रधान सभी हमारे सहयोग में आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये हमारे सहयोग में आज यहाँ पे। धर्मशाला में भूजल स्तर जांचने के लिए 205 पीजोमीटर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पीजोमीटर भूजल दबाव को मापने का कार्य करता है और वर्तमान में कांगड़ा और साथ ही आपको बता दें कि जलस्तर की निगरानी करता है और 205 पीजोमीटर लगाने के साथ में इतनी ही संख्या में डिजिटल ग्राउंड वाटर लेवल रिकॉर्डर भी लगाए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ग्राउंड वाटर लेवल जांचने के लिए CGWB प्रदेश भर में 400 से अधिक ट्यूबवेल लगा चुका है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 205 पीजोमीटर प्रदेश भर में लगाए जाएंगे और इन पीजोमीटर्स को आउटसोर्स भी किया जाएगा। DWLR के माध्यम से वाटर लेवल की मॉनिटरिंग भी की जाएगी और कैसे काम हो रहा और कैसे बढ़ रहा है 205 पीजोमीटर लगने के बाद में इतने ही DWLR लगेंगे और पूरा हिमाचल कवर हो जाएगा। पूरे हिमाचल में जरूरत है इसकी लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी दो ही रिग हैं इसलिए हमने अभी आउटसोर्स किया है कि जो एक अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा उसमें 205 पीजोमीटर बनाएंगे। पीजोमीटर क्या है? ट्यूबवेल ही है लेकिन वो उसमें डेप्थ टू वाटर लेवल रिकॉर्डर लगेंगे तो वो 205 आउटसोर्स करने हैं क्योंकि हमारे पास दो ही रिग हैं हिमाचल में जो काम कर रही हैं तो वो तो इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगी तो इसलिए 205 का वो आउटसोर्स करना है। वो हो चुका है अभी शायद नेक्स्ट ईयर में जनवरी से वो स्टार्ट होगा। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता आरंभ हो गई और आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर सुरेंद्र चौहान ने किया। साथ ही आपको बता दें कि दो दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 महाविद्यालयों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे और महापौर सुरेंद्र चौहान ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि RKMV की तरफ से बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को शिमला में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा। RKMV के शिक्षक गोपाल ने भी कहा कि इस बार कॉलेज को महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने कहा कि दो दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 कॉलेज के खिलाड़ी भी भाग ले रहे और समापन अवसर पर विधायक हरीश जनरथा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इंटर कॉलेज विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन RKMV कॉलेज को मिला इसके लिए हम सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। ये इस इवेंट में 20 कॉलेज हिमाचल के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं और ये आयोजन दो दिन का होगा। आज जो इसका उद्घाटन किया है वो हमारे मेयर सुरेंद्र चौहान जी ने किया है और क्लोजिंग में मुख्य अतिथि हमारे शिमला की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हरीश जनार्दन जी होंगे। आज मैं मुझे यहाँ इंदिरा गांधी परिसर में आए बॉक्सिंग इंटर कॉलेज बॉक्सिंग वूमेन का आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ मेरी
महापौर कौशल जी और आरकेएमबी के परिसर के उसके अंदर आने वाली हमारी पार्षद मीना चौहान जी थी और एक बड़ा अच्छा इवेंट था आज आरकेएमबी के द्वारा इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया इंटर कॉलेज का। इसके बाद यहाँ से इंटर कॉलेज के बाद इंटर यूनिवर्सिटी फिर नेशनल लेवल तक जाते हैं बॉक्सिंग चेक। हिमाचल प्रदेश मौसम की करवट बदलने के साथ ही शीतलहर की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि 24 घंटे के दौरान ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है और साथ ही आपको बता दें कि मध्यवर्ती क्षेत्रों में बरसात होने की सूचना है। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम खराब बना रहेगा। बर्फबारी और शीतलहर के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में सुबह से ही बादलों की लुकाछुपी देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने भी 30 नवंबर तक मौसम खराब होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बुईलाल ने कहा कि 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है और आगे उन्होंने कहा कि 28 से 30 नवंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। प्रदेश में कोकसर में 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया है जो कि जिला लाहौल स्पीति में है और जिला चंबा में बरमोर में 2 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और जो तापमान है तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहे हैं और अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से कम रहे हैं। और जो प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है वो कल्पा में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 13.6 और जो न्यूनतम तापमान है वो 6.4। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।